पूर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को निकट भविष्य में अपने मरीजों के खून की जरूरत पड़ने पर चाईबासा और जमशेदपुर नहीं जाना पड़ेगा। चकंदरपुर में ही लोगों को ब्लड बैंक की सुविधा मिलेगी। विधायक सुखराम उरांव के प्रयास से जल्द ही चकंदरपुर रेलवे अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना होगी। चकंदरपुर रेल मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के मिश्रा से बात कर ब्लड बैंक की स्थापना के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत करने के लिए डीसी को पत्र लिखा था। डीडीसी ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी बनने जा रहा है, तो आगे आगे ब्लड बैंक में सभी जिनको जो भी नीडी बने उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ये हमारा ही करने का कार्य है और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इसमें भागीदारी दे। ब्लड बैंक का सारा जो उसका सामग्री है, जो मशीनरी, जो सारा चीज़ है, वो विधायक निधि से हम दे दिए हैं और हम लोग का टारगेट है कि 15 अगस्त को उसका शुभारंभ हम लोग करेंगे। रेलवे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी बनने जा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।